दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन और ये हेल्थ इंश्योरेंस सीरीज़ का हमारा 7वां वीडियो है। आप इससे पहले वाले वीडियोस भी रिफ़र कर सकते हैं अगर आपको कंप्लीट जानकारी चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस पे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस मिलियन डॉलर क्वेश्चन की जो हर एक हेल्थ इंश्योर्ड पर्सन पूछता ही पूछता है अगर उसको अस्पताल में भर्ती होने की कभी ज़रूरत पड़ती है। सवाल ये होता है कि हमने तो कैशलेस पॉलिसी खरीदी थी, फिर हम जब अस्पताल में एडमिट हुए तो हमें अपनी पॉकेट से क्यों पैसा पे करना पड़ा, ये तो कैशलेस पॉलिसी है। और अक्सर इस पे अस्पताल में मरीज और अस्पताल के स्टाफ के बीच लड़ाई झगड़े भी होते हैं, कहा सुनी भी होती है, और जिसमें अस्पताल का कोई कसूर नहीं होता है क्योंकि आपकी पॉलिसी का क्लोज है। तो आइए समझते हैं कि आपको अपनी पॉकेट से आउट ऑफ पॉकेट क्यों पे करना पड़ता है कैशलेस पॉलिसी होने के बावजूद भी। उसके सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आप अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट को ठीक से नहीं पढ़ते हैं। अगर आपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट को पढ़ा होगा तो आपके मन से सारे सवाल निकल जाएंगे और खुद ब खुद आपको आंसर मिल जाएंगे। खैर, हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि आपके पास कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी है, उसके बाद भी अपनी पॉकेट से आपको पे करना पड़ता है। तो कुछ मैंडेटरी पेमेंट्स होते हैं जिसमें जो सबसे पहला लड़ाई झगड़ा होता है वो होता है नॉन पेबल आइटम्स पे या नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस पे। इंश्योरेंस कंपनी की गाइडलाइंस हैं, आईआरडी की भी गाइडलाइंस होती हैं कि बहुत सारे ऐसे कंज्यूमेबल्स डिस्पोजेबल आइटम्स होते हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कवरेज नहीं देती है, और ये भी पॉलिसी टू पॉलिसी वेरी कर सकते हैं। हो सकता है आपकी पॉलिसी में कवरेज हो बट मैक्सिमम पॉलिसीज में कवर नहीं होते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी खुद लेटर में लिख के भेजती है कि आपका जो ट्रीटमेंट का खर्चा है वो तो हमने बियर कर लिया, बट ये नॉन पेबल आइटम्स जो हैं वो आपको पेशेंट से कलेक्ट करने पड़ेंगे जिस पर लड़ाई झगड़ा होता है। हालांकि ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है, बिल अमाउंट का हार्डली 2-3% ही अमाउंट होता है। 8-10 हज़ार रुपये आपकी पॉकेट से जाते हैं, फोटो खलते हैं आपको देने से, मगर ये आपकी पॉलिसी का क्लोज है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है कोपे या कैपिंग को ना समझना। कोपे और कैपिंग दो इंश्योरेंस की टर्म्स हैं और आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में बड़ी साफ साफ लिखी होती है। कोपे का मतलब होता है कई बार प्रीमियम को कम रखने के लिए इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि अगर मान लो 1 लाख रुपये का बिल बनेगा तो उस समय इलाज के बाद जो भी बिल बनेगा उसका 5% आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। अब क्योंकि आप डॉक्यूमेंट तो साइन करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं पता होता है, तो आपकी पॉलिसी में लिखा होता है। तो अगर ऐसा कोई क्लोज है कि आपकी पॉलिसी में कोई को पेमेंट का क्लोज है तो टोटल बिल का जितना भी X% उस पॉलिसी में लिखा है वो आपको देना ही पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करेगी और अस्पताल को भी वो पैसा इंश्योरेंस से नहीं मिलेगा, इसलिए अस्पताल आपसे वो पैसा मांगता है। तीसरी चीज़ होती है कैपिंग। कैपिंग का मतलब वर्ड से ही आप समझ रहे होंगे कि किसी बीमारी के ऊपर इंश्योरेंस ने कैप कर दिया कि इससे ज़्यादा हम नहीं पे करेंगे। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हर्निया का। अगर हर्निया के इलाज के लिए एक इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि हम मैक्सिमम 60,000 ही पे करेंगे सब कुछ खर्चा मिला के, और आप अगर किसी ऐसे अस्पताल में भर्ती होते हैं जहाँ पर उसका खर्चा 1 लाख रुपये आता है, तो जो 40,000 रुपये है वो आपके अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा जो आपको नहीं पता होता, और आपको फटका लगता है बहुत बड़ा। इसलिए आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट को पढ़ें, देख लें कि कोपे या कैपिंग तो नहीं है, ये भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी का क्लॉज होता है, तो इसको ध्यान से पढ़ें। एक जो हम बड़ी गलती करते हैं वो होता है रूम का एंटाइटलमेंट। तो जनरली इंश्योरेंस का एक रूल होता है 1% ऑफ सम इंश्योर्ड आपको रूम मिलता है। तो मान लो आपको 5 लाख की पॉलिसी है तो आपको 5,000 रुपये तक का रूम मिलेगा, 10 लाख की पॉलिसी है तो 10,000 रुपये तक का रूम मिलेगा, और अगर आप आईसीयू में एडमिट होते हैं तो 2% हो जाता है, तो 5 लाख की पॉलिसी पर आपको 10,000 रुपये पर डे तक का आईसीयू बेड मिल जाता है, और अगर आपका 10 लाख की पॉलिसी तो आपको 20,000 पर डे का आईसीयू बेड मिल जाता है। ये बड़ा क्लियर है। अगर आप विद इन लिमिट इसी में एडमिट होते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। गलती कब होती है या प्रॉब्लम कब होती है कि मान लीजिए आपकी पॉलिसी का सम इंश्योर्ड के हिसाब से जो रूम बनता है वो 5,000 पर डे का बनता है, और आप चूज़ कर लेते हैं ऐसा रूम जहाँ पर आपको 7,500 रुपये पे करने पड़े या 7,000 रुपये पे करने पड़े, तो उस समय इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, दवाइयों पर वो कोई प्रोपोर्शनेट नहीं लगाती है क्योंकि दवाई तो MRP पे ही बिकेगी, उसके अलावा जितने भी अस्पताल के खर्चे होते हैं, चाहे वो डॉक्टर की फीस है, चाहे वो नर्स की फीस है, चाहे वो रूम का खर्चा है, रूम में तो आपने ज़्यादा लिया ही है बट आपको लगता है कि सिर्फ रूम का डिफरेंस होगा, ऐसा होता नहीं है, या फिर वो इन्वेस्टिगेशन है, टोटल बिल से दवाइयों को एक तरफ करके जितना भी बिल अमाउंट होता है उस पर प्रोपोर्शनेट डिडक्शन लगा देता है कि कितने हायर वैल्यू का आपने रूम लिया है उतना ही हायर वैल्यू आपके टोटल बिल अमाउंट से वो घटा देता है जो आपके पॉकेट पे पड़ता है। तो ये भी आप ध्यान रखें कि आपकी जो रूम की कैपिंग है कोशिश करें कि उसी के अंदर रखें। दूसरा, अगर आपने कहीं कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है और आपका क्लेम डिनाई हो गया तब भी आपको पूरे का पूरा अपनी पॉकेट से पे करना पड़ता है, तो कोशिश करें कि मिस इन्फॉर्मेशन ना हो। जो आपने इंश्योरेंस को बताया वही डॉक्टर को बताएं, और जो डॉक्टर को बताया वही इंश्योरेंस को बताएं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको जानकारी भरा लगा होगा, इससे आपको फ़ायदा मिला होगा।
और अगर वाकई ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें सो दैट इस तरह के सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ समय पर आपको मिलते रहे। थैंक यू।